काफी ज्यादा अच्छे थे व्यू, मुझे पता है। रास्ते में पानी और कीचड़ के साथ थोड़ा सा डेंजर है, तो पानी वगैरह संभाल के चलें थोड़ा, इसलिए। तो आराम से चलें क्योंकि गिरने काफ़ी डरा भी जो है नीचे पर, भैया गिरे अंकल जी थे वो तो ज़्यादा हुआ गिर गया था, तो संभाल के चले, फिसलन ज़्यादा है, तो हमने एक ही साइड चलें, तो इधर उधर ना करें क्योंकि नुकसान हो सकता है, तो आराम से चले और एक ही साइड चले, अपना ऊपर ही साइड जाएं। वो भैया गिरे इस चक्कर में, मैं अपने दोस्तों पीछे हो चुका हूँ, वो आगे, और रास्ते में फिसलन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, संभल के चलें थोड़ा सा, इतना भैया गिरे अभी जो है भरपेट खाना खा लिया हमने, मज़ा आ गया। अगर आप लोगों को खाना है तो ऐसी दुकान है भैया की, नीचे 50 रुपये मात्र 50 रुपये का पराठा मिलेगा, बेहतरीन चाय, एक नंबर की चाय मिलेगी, बैठने की जगह भी है, ना कोई जगह ना यार। केदारनाथ की ट्रिप बना रहे हो तो आप एक बेहतरीन ट्रिप करने वाले, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सुहानी जगह, पेड़ पौधा, हर चीज़ का आनंद ले सकते हो आप यहाँ पे। अभी अगर आप बना रहे हो तो जल्दी बनाओ और जल्दी आओ। और हमारी यात्रा मात्र 10 किलोमीटर बाकी रहती है, घूमिए, काफ़ी है चलने के लिए, थोड़ा रुक रुक के चलने लग रही है काफ़ी ज़्यादा। हमें पहुंचना है सार, यहाँ से हमें दिनचोली पहुंचना है, फिर वहाँ से केदारनाथ, हाँ तो वहाँ से मात्र 5 किलोमीटर, तो अभी पहुंचने वाले हैं। और ये भाई घोड़े के साथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हम चल ही रहे फिलहाल। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 2 रास्ते करते हैं, ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये आपदा के बाद बना हुआ, आपदा के बाद ही रास्ता बना है, आपदा से पहले जो पुराना रास्ता था वो यही है जिससे हम अभी चल रहे हैं, आगे जाके जो है ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, ना शॉर्ट कट है ना लॉन्ग कट है, दोनों बराबर हैं। तो ये रास्ते के सटीक नीचे झरना गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिप व्यू, मेरे को पता नहीं था बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं पहले फर्स्ट टाइम आया, वो भी इतनी दूर ट्रिप पे और 23 किलोमीटर पैदल चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं चला नहीं कभी इतनी दूर, पर सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ हम जा रहे हैं। हमारी मंजिल आ गई 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर मंजिल रह गई है हमारी, बस अब देरी ऊपर पहुंचने की है, तो लगे हैं हम भी। वैसे तो उधर मेन रास्ता भी है बट ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, इससे हम चल रहे हैं, तो कुछ इस तरह से रास्ता, और मैं भी इधर कर रहा हूँ ट्रैकिंग, तो इसमें थोड़ा सा हार्ड है चढ़ने के लिए, बट मेरे लिए नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ तो मेरे लिए इतना हार्ड नहीं है, बट वैसे और कोई इससे ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि इधर बड़े बड़े पत्थर और वगैरह वगैरह हैं, तो डेंजर है, काफ़ी ज़्यादा डेंजर।
अभी हम रुक चुके हैं यहाँ पे लिनचोली में, छोटे लिनचोली। यहाँ पे से हमने कपड़े वगैरह थोड़ा और पहन भी लिए हैं क्योंकि आगे जाके ठंडी है थोड़ा सा। यहाँ पे नाश्ता नुस्ता किया भाई के आने। तो अभी शाम की बज चुकी है 6 और अभी हम चल ही रहे हैं। इधर तो रास्ता भी नहीं और सोचता हारती में जाएंगे, बट उस टाइम तक हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अभी रह चुका है 7.5 किलोमीटर। पाएंगे तो हम सुबह ही दर्शन कर पाएंगे क्योंकि अभी हो जाएगी लेट। आए तो हम सही समय पे थे बट रुक रुक के आना पड़ा। ये और ऊपर जो है ग्लेशियर है आया बह के नीचे, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको वाइट वाइट। और ये सामने गुफा है जो यहाँ पे टेंट से लगा हुआ है ये वाला। अभी हम 20 बार घूम चुके हैं, 20 बार घूम चुके हैं इसलिए अपनी व्यवस्था में।